what are people. So अगर फ्रेंचाइज ढूंढ रहे हैं तो आई हैव गुड रियल गुड सजेशन बिकॉज आई एम इन टू इट. आई एम इन टू लाइक बिजनेस ऑटोमेशन. सो मैन इफ यू गाइज नो मी मैन इफ यू डोंट इट्स अनुभव एंड IITN प्राउड नॉट सो प्राउड बट या आई एम रियली हैप्पी टू हैव इट बींग कॉल्ड सो बट मोर सो दैट आई एम अ लर्नर लाइफ टाइम लर्नर एंड आई एम टेकी टर्न बिजनेस मैन. सो वट आई गॉट फॉर यू इज़ दैट कुछ अच्छे फ्रेंचाइज जो आप देख सकते हो वो है प्री स्कूल्स का. अगर आपका बजट लो है लाइक 5 to 10 lakh रुपए का फ्रेंचाइज में अच्छा अच्छा ब्रांड मिल सकता है एंड वन ऑफ देम कुड बी फर्स्ट क्राई प्री स्कूल थिंग. द सेकेंड ऑप्शन वुड बी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल. टू व्हीलर इज लाइक ग्रेट ऑप्शन बिकॉज लाइक इकोनॉमी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स दैट. तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इज लाइक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा पर से एंड द कैपेक्स वुड बी बिट हायर टू बट इट वोंट बी लाइक 15-20-25 lakhs. इट वुड बी फाइन गुड इनफ. तो वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे ऑटोमोबाइल में घुस सकते हैं और बहुत सारे भी स्टार्टअप काम कर रहे हैं इस पर. तो अगर आप स्टार्टअप कंपनीज में जाते हैं तो EVs अच्छे मिलते हैं लेकिन ब्रांड वैल्यू शायद कम मिलता है. तो वन ऑफ देम इज़ डेल्टिक. अनदर इज बाउंस इन्फिनिटी और TVS का भी है और हीरो इलेक्ट्रिक इज देयर एंड देन देयर मैनी. तो आप लोग हमेशा थोड़ा गूगल सर्च कर ले फ्रेंचाइज इंडिया इज देयर है ना उसके मीट्स पर जा सकते हैं. मैं रिसेंटली गया था अपने भाई के साथ तो इट वॉज रियली ग्रेट और ग्रेट ऑसम एक्सपीरियंस. पीपल वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. तो दीज हाँ कुछ अगर बिजनेस ऑटोमेशन पे काम करना है तो आप जैसे लेंसकार्ट का फ्रेंचाइजीज हो सकता है या फिर न्यू यू का फ्रेंचाइज हो सकता है जो कॉस्मेटिक्स पे डील करती है वुमेन कॉस्मेटिक्स पे डील करती है विद स्लाइटली अपर बजट हो जाएगा 40-50 lakh रुपए का फ्रेंचाइजीज. तो आई थिंक मैंने 10 lakh के अंदर बता दिया 15 lakh to 30 lakh रुपए का बता दिया 30 lakh to 50 lakh रुपए का बता दिया. करोड़ में जाना है तो दैट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल. प्योर ईवी है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो ईवीस में क्या होता है गाड़ी में क्या होता है कि उतना ज़्यादा आपको एक सेल्स पर्सन चाहिए होगा जो 12 to 15 में काम कर लेगा और जो एक वर्कशॉप में जो काम करेगा 2 employees में चल सकता है एंड वर्क दिस एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं आते 1 lakh rupees to 1.5 lakh रुपये का महीने में हो सकता है. वेज आप सैलून खोलते हो तो इट्स इट द एक्सपेंडिचर कॉस्ट इज लाइक रिकरिंग कॉस्ट इज बिट हायर. वहाँ पे 2.5-3 lakh रुपये सिर्फ एम्प्लॉयज़ और मेंटेनेंस में ही जाता है. ऑल दो वहाँ पे 33% का मार्जिन होता है बट इफ़ यू लुक एट इन टू इट लाइक हेडेक ज़्यादा होती है अगर आपके पास हाई स्किल लेबर है और वो आते नहीं हैं काम पे तो वो भी एक हेडेक है. और आपके पास क्लाइंट नहीं है क्योंकि शादी के महीना के टाइम पे चलता है या पूजा पे चलता है जनरली उन सब के बिजनेस सैलून. तो दैट रियली डिपेंड्स लाइक ऑन द सेल एज वेल एज द योर कैपेसिटी टू होल्ड देम बिकॉज आप अगर 50 lakh रुपये का सेटअप कर रहे हो तो इट वुड बी लाइक यू हैव टू हैव लाइक 10-15 lakhs ऑफ रिकरिंग बजट दैट कुड अमाउंट टू समटाइम्स है ना क्योंकि एट टाइम 2-3 महीने काम भी नहीं होता बहुत ज़्यादा. कोई भी बिजनेस हो थंब रूल इज 12 महीना आपका बिजनेस नहीं चलेगा. सो मेक श्योर दैट यू हैव सम एक्सपेंसेस बजट आप लेके चले. फ्रेंचाइज जो है लोग फंसाते हैं कि आपको 10 lakh रुपए लगेंगे उसका कुछ नहीं देना बट यू हैव टू हैव सम रिकरिंग एम्प्लॉयज सैलरी एंड थिंग्स लाइक दैट इन योर bank account. With that being said, this is Anubhav, an IIT intern into businessman. All right, see you soon guys. Bye.